हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, लंका प्रीमियर लीग का क्वालिफायर फन यानी कि दम्बला और आप बनाम गाले टाइटंस होगा हमारे सामने आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। शुरुआत करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस के साथ। आर प्रेमदासा कोलंबो में अभी तक 12 मुकाबले इस सीजन के हो चुके हैं। 8 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम्स ने जीते हैं, तो वहीं 4 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। एंड दैट मींस कैप्टन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। हाईएस्ट स्कोर की जहां तक बात है तो गाले ने बनाया था 180 रन्स, वहीं लोएस्ट स्कोर कोलंबो का रहा था 74 रन्स फॉर 10 विकेट्स। टोटल 12 मैचेस में 165 विकेट चटकाए जा चुके हैं। एंड दैट मींस बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी इस पिच से भरपूर समर्थन मिलने वाला है। टॉकिंग अबाउट दी हेड टू हेड कंपैरिजन, दोस्तों दम्बुल्ला ओरा और गाले टाइटंस के बीच 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 1 मैच दम्बुल्ला ने जीता था, तो वहीं गाले टाइटंस 2 मुकाबले जीत चुकी है। इस सीजन भी गाले ने दम्बुल्ला ओरा पर जीत दर्ज करी थी। ये तो हुई बात पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड कंपैरिजन की। करंट कंडीशन में दोनों टीम्स की पोजीशन कैसी है, आइए उस पर नजर डालते हैं। दम्बुल्ला ओरा की ओर से अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, सदीरा समारा विक्रमा, बेन मैकडरमॉन्ट, एलेक्स रॉ, धनंजय डिसिल्वा, जनित लियानेज, दुशन हिमंता, हसन अली, नूर अहमद और बिनूरा फर्नांडो खेलते नजर आ सकते हैं। भाई लोग, यहां पर बड़ी बात यह है कि भाई बल्लेबाजों के तौर पर आपको मिलते हैं अविष्का फर्नांडो, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 8 मैचेस में 215 रन बना चुके हैं। मिडिल ऑर्डर में सपोर्ट मिलता है एलेक्स रॉस की ओर से, जो कि कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ आधे मुकाबलों में इनका प्रदर्शन धमाकेदार रहा है विद 121 रन्स इन 7 मैचेस। अगर बात करी जाए ऑलराउंडर्स की, तो यहां पर धनंजय डिसिल्वा का नाम आप जरूर ले सकते हैं, जिन्होंने 7 मैचेस में 150 रन बनाए हैं और 9 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। एंड विदाउट एनी डाउट ही इज द लीडिंग विकेट टेकर फॉर दम्बुल्ला ओरा। यहां पर इन्हें सपोर्ट मिलता है नूर अहमद का, जो कि 6 मैचेस में 7 विकेट चटका चुके हैं। एंड सेम गोज विद बिनूरा फर्नांडो, जिनके स्टैट्स सिमिलर नजर आते हैं। अब भाई लोग, यहां पर अगर एक बार फिर लाइनअप पे नजर डालें तो बेन मैकडरमॉन्ट ने भी हाल में ही अच्छी बल्लेबाजी करी है, और यहां पर कुशल मेंडिस और सदीरा समारा विक्रमा से भी हम एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे इन सच क्रूशियल मैच। वेल, इनके अगर ओपोनेंट्स की बात करी जाए यानी कि गाले टाइटंस की, तो भाई बनुका राजापक्षा, लसित क्रॉसपुले, शाकिबुल हसन, लिटिन दास, नजीबुल्ला जादरान, डसुन शनाका, लहिरू समाराकून, सी कुछ प्रसन्ना, कसुन रंजीता, लहिरू कुमारा और तबरेज शामजी खेलते नजर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इस लाइनअप में बल्लेबाजों की बात करी जाए तो बनुका राजापक्षा ने 7 मैचेस में 108 रन बनाए हैं, लसित क्रॉसपुले ने भी कुछ मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन किया है और 138 रन अपने खाते में जोड़े हैं। वेल, जहां एक तरफ दम्बुल्ला ओरा के पास है धनंजय डिसिल्वा एज एन ऑलराउंडर, यहां टीम मिलते हैं शाकिबुल हसन, जिन्होंने 7 मैचेस में 102 रन बनाए हैं और 8 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। बॉलिंग अटैक नो डाउट गाले टाइटंस का काफी सॉर्टेड दिखाई देता है विद कसुन रंजीता, जिनके खाते में है 10 विकेट, लहिरू कुमारा 3 मैचेस में 6 विकेट चटका चुके हैं और पिछले 3 मुकाबलों में ये कंसिस्टेंटली विकेट चटकाते दिखाई दिए हैं। एंड यहां पर आपको मिलेंगे तबरे शामजी, जिन्होंने 7 मैचेस में 11 विकेट चटकाए हैं और पिछला मुकाबला इनका बेहद धमाकेदार रहा था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गाली टाइटंस का बॉलिंग अटैक काफी सॉर्टेड है, बट बैटिंग लाइनअप में टीम कहीं ना कहीं हिचकोले खाती नजर आती है, जिसका फायदा यहां दम्बुल्ला ओरा उठा सकती है। और जीतने की भी किस टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है दोस्तों, टॉस बेहद अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के स्टैट्स इस ट्रैक पर इस सीजन में काफी बेहतर नजर आते हैं। आपके लिहाज से सी टीम बाजी मारने वाली है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको CLG पर मिलने वाली है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और भाई ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें।